200 करोड़ रुपए की ठगी के आरोप में जेल में बंद महाथक सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी को 60 करोड़ रुपए देने का आरोप लगाया है। सुकेश मंगलवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के साथ पहली बार दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुआ। इधर कोर्ट ने ईडी को सुकेश की पत्नी की 26 कारें जब्त करने का आदेश दिया है। सुकेश चंद्रशेखर के वकील अनंत मलिक ने कहा कि सुकेश ने पैसों के लेन देन के जो आरोप लगाए हैं, इसकी जांच खुद हाई पावर कमेटी भी कर चुकी है। कमेटी ने भी कहा है कि आरोप गंभीर हैं और इसकी जांच केंद्रीय एजेंसियों से करानी चाहिए। जांच एजेंसियां जब उन्हें बुलाएंगी वो हाजिर होंगे। सुकेश ने एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली के एलजी को कई चिट्ठियां लिखी थी, जिसमें उसने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत पर गंभीर आरोप लगाए थे। सुकेश के आरोपों पर एलजी ने दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम की अगुवाई में 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई थी। कमेटी ने 14 और 15 नवंबर को मंडोली जेल में सुकेश से पूछताछ भी की थी। सुकेश ने कमेटी के सामने जेल में सुरक्षा और राज्यसभा की सीट पाने के एवज में आम आदमी पार्टी के नेताओं को करोड़ों रुपए देने की बात दोहराई थी। कमेटी ने जांच रिपोर्ट एलजी को भी सौंप दी है, जिसमें ये बताया गया है कि सुकेश ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को 60 करोड़ रुपए दिए थे। सुकेश के मुताबिक उसने राज्यसभा सीट के लिए 50 करोड़ और जेल में सुरक्षा के लिए 10 करोड़ रुपए दिए थे। सुकेश ने तब के जेल डीजी संदीप गोयल को भी 12.5 करोड़ रुपए देने की बात कही थी। इधर सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के ठगी के केस में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस भी कोर्ट में पेश हुई। उन्होंने 23 दिसंबर से बहरीन जाने के लिए अदालत से इजाजत मांगी। कोर्ट ने ईडी से इस पर जवाब मांगा है। मामले पर 22 दिसंबर को दोबारा सुनवाई की जाएगी। वहीं 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की अगली सुनवाई अब 6 जनवरी को होनी है। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा।